सामाजिक जो है जैसे कि आप मेरे पीछे बैकड्रॉप पे भी देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह कैसे ओसामा जी कह रहे हैं। अब तक के कॉलरों ने इस विषय पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने असंवैधानिक भाषा का भी भले ही प्रयोग किया है, लेकिन मुद्दे की गंभीरता आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले दोबारा देखिए इस वीडियो को। वोट के लिए राजनेता कितने गिर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने दिया है। स्वतंत्र भारत के राजनीति की यह सबसे निचली पायदान ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी गिरावट है। जिस लादेन ने हजारों निरपराध लोगों को खामखा मार दिया, उसके लिए हमदर्दी जताना और वह भी केवल वोट के लिए? राजनीति के मैदान में अपने शौर्य के बलबूते जो जीत का मतदान नहीं रखते, ऐसे निकम्मे ही ऐसी हरकत कर सकते हैं। यह जन भावना है। जिस खलनायक के मरने पर पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, जिसके अपने देश में भी लोगों को उसके मरने की खबर सुकून दे गई, उस शैतान के लिए जी लगाया जाए या नहीं, ये समझने की भी बुद्धि पूर्व मुख्यमंत्री के पास नहीं है। ऐसा व्यक्ति देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी का महासचिव कैसे हो सकता है, या फिर उसकी इस काबिलियत पे ही वह महासचिव बना हुआ है? दिग्विजय की ये हरकत उनके राज घराने के पुरखों को भी शायद रास न आई हो। हालांकि ऐसा करने वाले वह अकेले नहीं है। पिछले दोनों चुनावों में रामविलास पासवान भी लादेन के हमशक्ल को अपने साथ 24 घंटे रखते थे। उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर से ले जाते थे, मंच पर अपने साथ बिठाते थे, टीवी चैनलों के कैमरे में साथ दिखाई दे इसलिए चिपका के खड़े रखते थे। वोट के लिए रामविलास ने इस लादेन के हमशक्ल को न जाने कहां कहां साथ रखा। इसके कई किस्से बिहार में आज भी लोग बताते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो पासवान को भी पीछे छोड़ दिया। अब लादेन के फैन क्लब के मुखिया बने दिग्विजय सिंह मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील करने की चाले बिछा रहे हैं। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर देश में बहस होनी चाहिए, इसलिए मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप ही बताएं, इंसानियत के दुश्मन लादेन को जी लगाने की हरकत दिग्विजय ने क्यों की होगी? इसके लिए उन्हें क्या सजा दी जाए? बात देश की है, हिम्मत से बताएं अपनी राय। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी बात आपके सामने रखते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए जी। कनेक्ट करना सुपर सिटी। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ जी आप लाइव में। हाँ हाँ बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, आप अपनी बात को कहिए। शायद कॉलर तकनीकी समझ नहीं रखते, इसलिए कभी कभी अपनी बात कह रहे हैं ना। तो किसी को अगर जी कह दिया तो क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसके अंदर? किसी को रिस्पेक्ट करना गलत है क्या? नहीं, किसी को कहना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन लादेन को कहना। हेलो, लादेन एक इंसान तो था, इंसान तो मरे हुए इंसान को तो सब इंसान। नहीं तो आप लादेन को इंसान मानते हैं, जिसको पूरी दुनिया शैतान तो मानती है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया शैतान मानती उसको आप लादेन मानते हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। चलिए दूसरे कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। अच्छा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, लादेन के बारे में जी लगाना ये इनकी बहुत सोची समझी चाल है। हाँ। इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसे कर्तव्य किए हैं, उसकी सजा हाँ जी उनकी सजा इन लोगों को मिली है, जैसे भिंडरांवाला के मामले में भी मिली थी। ये पूरी कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। उसी तरह इनको भी ये सजा, जिनको ये पना दे रहे हैं, जिनको ये मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, वही इनको मारेंगे। आप अभी जहाँ से कॉल कर रहे हैं वही सजा देंगे, देखना। हेलो, आप जो बात कर रहे हैं इसी फोन पर कोई और व्यक्ति लादेन के समर्थन में शायद बात कर रहे थे? हाँ जी। तो क्या आप दोनों साथ बैठे हो, दोनों अलग अलग राय रखते हैं? नहीं नहीं, नहीं मैं वो इस फोन पर नहीं था जी, वो दूसरा है जी। अच्छा धन्यवाद। हम कॉलर को कहना चाहेंगे कि आप अगर पक्ष ले रहे तो भी ठीक तरीके से तर्कों के साथ बने रहिए लाइन पर, अपनी बात को कहिए। हो सकता है कि आप भी भ्रम में हो और आपके जैसे लोगों को भ्रम में लाने में दिग्विजय सिंह कामयाब हुए हो। ऐसे में चर्चा करके, बात करके हम
इस विषय पर अपनी राय बना सकते हैं। आखिर देश की राय बनाने के लिए ही तो हम ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ सर, चिंतामणि बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लागेन जी कहने की वजह से जो बवाल उठा है इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बोलिए। तो ये जो बात नहीं है जीव कहने, मृत्यु के बाद में हमारे संस्कृति में सम्मान दिया जाता है, जी कहने से कोई फर्क पड़ा नहीं। हाँ। और जल्दी से जल्दी ओसामा जी के बाद में जी और दाऊद जी ऐसा कहने का मौका हमारे राजनीति को मिलना चाहिए। मतलब दाऊद को भी जी लगाना है, कसाब को भी लगाना है, सबको लगाना है। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि ये कॉल पर बात करते समय अपने टीवी का आवाज कम रखेंगे तो आप भी और बाकी लोग भी आपकी बात को सही तरीके से समझ पाएंगे। हम अब उपायों की दिशा में जा रहे हैं, हम देखते हैं उपाय क्या हो सकते हैं ऐसा ना हो इसलिए। दिग्विजय पे कांग्रेस पार्टी कार्यवाही करे, ऐसे में छोटे बड़े दूसरे नेता ये हरकत नहीं करेंगे और पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करने में भी कामयाब होगी। दिग्विजय पे कानूनी कार्यवाही, देश की सरकार के विपरीत भूमिका लेने और आतंकी को समर्थन देने के लिए उन पे कानूनी कार्यवाही हो। ऐसा करने वाले और भी जो लोग हैं उन पे भी गंभीर धाराओं के साथ कार्यवाही हो। लादेन ने भारत का जो नुकसान किया उसे सरकार बाहर लाए। ऐसे में देशवासियों में जागरूकता आएगी कि वह मानवता का ही नहीं हमारे देश का भी दुश्मन था। सरकार देश में इधर उधर छिपे लादेन समर्थकों को खोज निकाले और उन्हें मृत्यु दंड जैसे सख्त कानूनी सजाएं दे। मीडिया अलगाववादियों को और लादेन समर्थकों की ऐसे हरकतों को सामने लाए। लोग भी ऐसे मुद्दों को केवल राजनीति कहकर छोड़ ना दे, बल्कि कोई किसी भी दल का क्यों ना हो उसका पुरजोर विरोध करे। उपाय ये है, इसके साथ कई उपाय और भी हो सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। कॉलर को कहेंगे कि उपाय की दिशा में बात करेंगे आप कार्यक्रम के। नमस्कार, क्या उपाय देखते हैं आप इसको रोकने का? मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि कई पासकों ने कहा है, कई श्रोताओं ने कहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। हाँ। लेकिन अगर वोट बैंक की राजनीति है तो ये रामविलास और दिग्विजय सिंह किन के वोटों को लुभा रहे हैं? निश्चय ही मुस्लिमों को ऐसा कहने में हम क्यों हिचकिचाते हैं? और अगर वो इनके वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चय ही दिग्विजय सिंह और रामविलास पासवान के दिमाग में ऐसा ही है कि ये सारे मुस्लिम आतंक लादेन के समर्थक हैं, इसलिए हम लादेन का समर्थन करके इन्हें लुभा लेंगे। और अगर वो जीत जाते हैं तो वाकई इसमें कुछ हमें सोचने की पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो दिग्विजय सिंह और रामविलास पासवान के दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से बसा हुआ है कि जिन वोटों को हम लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो लादेन समर्थक ही है, इसलिए इतनी हिमाकत कर रहे हैं ये। बिल्कुल, हमारे पास और कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। धिक्कार कर रहे हमारे कॉलर, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सुदर्शन जी उससे बोल रहे हैं? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए, अपनी बात को रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सारे के सारे एक जी को लेकर जी के पीछे पड़ गए। आपने उस चीज के मुद्दे को उठाते जहाँ पर आम आदमी मर रहा है, नवेड़ा के अंदर देखो जमीन अधिग्रहण के ऊपर। साहब शायद साहब आप सुदर्शन पहली बार देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। हम आम आदमी के मुद्दों को लेकर ही उठाते और जिस किसान के आंदोलन की बात कर रहे हैं कल का बिंदास बोल इसी पे जाने वाला है। हाँ नहीं, उस पर जाने वाला है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट को उस चीज के लिए दबाव बनाओ। देखो मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ कि जो लादेन के समर्थन नहीं हूँ मैं। उसने जो करा उसे उसकी सजा बहुत बढ़िया मिली और हर आदमी को ऐसा बुरा करने वाले को क्या वो कोई भी हो भाई, जो बेगुनाह लोगों की जान लेने वाला कोई भी हो, बिल्कुल उसे सजा ऐसी ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ धन्यवाद। हम सुदर्शन पर ऐसे आम आदमी के मुद्दों को लेकर ही उठाते हैं और जो टीवी चैनलों पर बाकी लोग दिखा रहे उसको रिपीटेशन में हम सुदर्शन पर बिंदास बोल में नहीं लाते। हम एक अलग एंगल के साथ देश से जुड़े हुए मुद्दे को आपके सामने लेकर आते हैं, आम आदमी के लिए महंगाई से लेकर सड़क पानी बिजली उसके स्वाभिमान और सारे पक्षों पर। सबसे ज्यादा कार्यक्रम बिंदास बोल में हमने पिछले पौने दो साल में किए है, कल भी हम इस विषय पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज के विषय में एक और कॉलर से बात करते हैं, बोलिए। ये जो ओसामा जी कहकर संबोधित कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, हाँ,
ये केवल आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, ये इस देश को नष्ट करना चाहते हैं, ये आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद के समर्थक जो लोग हैं उनको आग लगाना चाहते हैं, और जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि इनको नानी याद आ जाएगी। चलिए धन्यवाद। नानी याद आएगी, हालांकि नानी के पहले इनको तो लादेन याद आते हैं, क्योंकि नानी तो जो देना है दे गई है, अब लादेन के द्वारा कुछ मिलने की अपेक्षा है। आज हमने आपके सामने एक मुद्दे को रखा, संवेदनशील मुद्दा, हमारे देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा, हमारे देश के परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा, हमारे देश के इमेज से जुड़ा हुआ मुद्दा, देश के प्रति मत बनाने वाला विदेश में ये मुद्दा क्या गुल खिला सकता है, हम सोच सकते हैं। पाकिस्तान को जब अमेरिका सवाल पूछेगी कि आपके देश में लादेन को लेकर इतना हाय हल्ला क्यों हो रहा है, लादेन को नायक क्यों बना जा रहा है, तब पाकिस्तान के प्रमुख और मुखिया कहेंगे कि पड़ोस में पाकिस्तान, भारत में भी देखिए, वहां के सत्ताधारी पार्टी के महासचिव भी लादेन जी कह रहे हैं। क्या होगा भारत के इमेज का दुनिया में, और पाकिस्तान का कितना बचा होगा, हमारी छोटी सी गंदी हरकत का हम देश को कितना नुकसान करते हैं और हमारे दुश्मन को कितना फायदा पहुंचाते हैं, यह सोचना चाहिए। बात केवल दिग्विजय की नहीं है, रामविलास पासवान ने भी लादेन के चेहरे के व्यक्ति को न जाने कहां कहां अपने साथ दो चुनाव में रखा, लेकिन आज रामविलास कहां है अब देख रहे हैं। देश में ऐसे राजनेता, ऐसे दलों की कमी नहीं है जो देश से दूर जाकर केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, लेकिन देश की जनता जाग चुकी है, मीडिया अब तक उन तक उनकी सच्चाई पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। सुदर्शन इस विषय में हमेशा अग्रसर रहेगा, किसी को बुरा लगे, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हो, हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन आम आदमी की आवाज बुलंद कर लोगों तक पहुंचाएंगे, यह हमारा वचन है, यह हमारा मिशन है। आज इसी दिशा में आपके सामने हमने विषय प्रस्तुत किया है, आप भी हमें और विषयों के लिए क्या हो सकता है बिंदास बोल में बता सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर 4 नोएडा, पिन कोड है 201301। आप हमें ईमेल और फैक्स भी कर सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। आज के लिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों ने सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आशा है कि जिनके खिलाफ हम बोले हैं उनकी बुद्धि बदल जाए, और आशा करते हैं कि जिनको बैलक बरगलाने के लिए बोला है वो भी समझ जाए। धन्यवाद, जय हिंद। सामाजिक जो है